अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र नवगठित ट्रस्ट की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि महंत ऋतुगोपाल दास और चंपत राय दोनों नए ट्रस्ट में मनोनीत किए जा सकते हैं। ट्रस्ट के सभी सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं और बुधवार को रामलला के वकील रहे केशवन अयंगर परासरन के ग्रेटर कैलाश स्थित घर पर ट्रस्ट की पहली बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा मंदिर निर्माण की तिथि और तौर तरीकों के साथ साथ ही नए सदस्यों का चुनाव होगा। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने का स्वरूप क्या होगा इस पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अयोध्या में बौद्ध मंदिर बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ ही बौद्ध मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि रामनगरी अयोध्या गौतम बुद्ध की विचारधारा का केंद्र रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को अपना बजट पेश किया। राज्य सरकार ने बजट के जरिए गरीब किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का आगाज किया और अच्छे दिनों का दावा किया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर बजट लोक को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा है कि किसानों के गन्ने का भुगतान बाकी है, फसल के दाम की बात गायब है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में किसानों को लेकर सवाल किया और लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, किसानों के आवारा पशुओं की समस्या का हल उसमें से गायब है, गन्ने का बाकी भुगतान भी गायब है, किसानों का फसल बर्बादी का मुआवजा गायब है, किसानों की फसल के दाम की बात गायब है। यूपी विधानसभा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी ने धन्यवाद भाषण दिया। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, वही लोग आज महिला सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं। टोपी पहनना कोई धर्म नहीं है, राम राज्य की परिभाषा साफ है, राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं, राम मंदिर पर फैसला देश की जीत। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी लेकिन देश बड़ा है। सीए पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि किस बात का विरोध हो रहा है, सीए में क्या गलत है, सीए को बीजेपी ने नहीं बनाया है, विभाजन के बाद 1955 में कांग्रेस ने सीए बनाया था, विभाजन का दुख हर किसी को है। सीएम योगी आज अधिकारियों से बात करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी सभी जिलों के डीएम एसएसपी से मुखातिब होंगे और त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम आवास पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह डीजीपी मौजूद रहेंगे। आज से मुख्यमंत्री योगी 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन मानसरोवर मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कामों का लोकार्पण भी कर सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। 21 तारीख को महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री पीपीगंज के भदौरिया के शिव मंदिर में पूजन करने जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से संचालित विद्यालय का लोकार्पण भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री के पीएसओ वेद प्रकाश की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विवेचक हरिंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। हालांकि परिजन खुदकुशी होने की बात बता रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान होने की पुष्टि हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता लालजी वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अट्ठाईस सहायता प्राप्त फर्जी शिक्षकों की तैनाती के मामले में लापरवाही बरतने पर गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी मणिराम को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा अधिकारी मणिराम फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिससे सरकार को हर महीने 94 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। अब डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति गोंडा के नए बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार स्टूडेंट का पिछले 70 से ज्यादा दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र सीए, एनआरसी और एनपीआर सहित यूनिवर्सिटी वीसी, रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए वीसी और रजिस्ट्रार आवास की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिख दिए, जिसके बाद आनन-फानन में पहुंची यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल टीम के लोगों ने दीवारों पर लिखे स्लोगन को पेंट करवाया। छात्रों ने संघी, वीसी, गो बैक सहित कातल रजिस्ट्रार जैसे आपत्तिजनक स्लोगन उनके आवासों की दीवारों पर लिख दिए।
कानपुर में 20 और 21 दिसंबर को सीए और एनआरसी के विरोध के में बाबूपुरवा इलाके में हुई हिंसा के मामले में मृतकों और घायलों के परिजनों ने जिला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कोर्ट से पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील का आरोप है कि पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आरोप यह भी है कि जब घायलों ने मामले में पुलिस को तहरीर दी थी तो उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई बोर्ड परीक्षाओं में पहले दिन 2,39,133 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों में हाईस्कूल के 1,57,042 छात्र और इंटरमीडिएट के 82,091 छात्र हैं। बता दें कि परीक्षा में कक्षा 10वीं की 12वीं के करीब 56 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। योगी सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक स्कूल मैनेजर की नकल की ट्रेनिंग देते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में मऊ के मधुबन के हरिवंश मेमोरियल कॉलेज के प्रबंधक प्रवीण मल खुलेआम छात्रों को नकल करने का तरीका बता रहे हैं। प्रबंधक प्रवीण कहते हैं कि मुंह से एक दूसरे को सवालों का जवाब बताना नकल नहीं होता है। अगर कोई शिक्षक टोके और एक थप्पड़ मार दे तो मार खा लेना, विरोध मत करना, विरोध किया तो सभी शिक्षक तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा का मामला तो उठ पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने के बाद ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं मामले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कहते हुए परीक्षा रद्द करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि भर्ती होने से युवाओं को नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध होते रहेंगे। गाजीपुर के लोगों ने एसपी ऑफिस के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। गहमर गांव में मारपीट में रमा शंकर यादव घायल हो गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार ने सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अगर सक्रियता दिखाई होती तो ये घटना नहीं होती। कन्नौज जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन सरकार के दावों की पोल खुल गई। इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले ही दिन शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल में सामान्य हिंदी की जगह छात्रों को हिंदी का पेपर दे दिया गया। काफी देर बाद छात्रों का पेपर बदला गया, जिससे छात्रों का काफी समय बर्बाद हो गया। हापुड़ के धोलाना तहसील से एक कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कर्मचारी फाइल आगे बढ़ाने के लिए 500 रुपए की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगते दिख रहे धोलाना तहसील में मदन पाल बाबू के पद पर तैनात है। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के बाद हत्या करने वाले 3 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तीनों अभियुक्तों ने एक ट्रक ड्राइवर के अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। 7 महीने पहले हुई इस घटना के बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। उन्नाव पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गदनखेड़ा चौराहे से गिरफ्तार किया। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान थाना नागल पुलिस और 2 बाइक सवार 6 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी घेराबंदी कर बदमाशों पर फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। वहीं 3 बदमाश मौका देखकर फरार हो गए। पकड़े गए 3 बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक भी बरामद की है। आगरा के हरिपर्वत इलाके में कुछ दबंगों के दबंगई देखने को मिली। एक वैन के बाइक से टकराने पर दबंगों ने पहले चालक को पीटा, फिर वैन में तोड़फोड़ की। वैन के अंदर बैठी एक महिला चीखती रही, लेकिन दबंगों को दया नहीं आई। सड़क पर तकरीबन 1 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा, जबकि चंद कदमों पर ही 2 चौकियां हैं। 1 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया। सीतापुर से एक शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। रिश्ते के फूफा ने महज 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना को अंजाम देकर आरोपी फूफा मौके से फरार हो गया। पीड़ित मासूम जैसे तैसे घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर परिजन मासूम को लेकर थाने गए और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
ललितपुर में एक बार फिर खाकी को दागदार करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में पुलिस पूछताछ के लिए दो व्यक्तियों को थाने लाई। दोनों पर पुलिस कस्टडी में थर्ड डिग्री इस्तेमाल का आरोप लगा है। दो दिन हवालात में बंद रखने के बाद उसे धमकियां दी गई, जिससे डरकर उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मिर्जापुर में लालगंज तहसील के धोबहा देवघटा के पशु आश्रय स्थल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आश्रय स्थल पर कई गाय मरी हुई दिख रही हैं। गायों की मौत का ये दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन इस वीडियो को पुराना बता रही है। वीडियो आने के बाद मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला, मगर पूरे मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक कमेटी बना दी है। महोबा में कैंट इलाके में तेज रफ्तार बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने से मौके पर ही ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर से मौत पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की। लखनऊ के मोहनलालगंज में सीमेंट फैक्ट्री के पास बजाज बाइक के शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि आग को बुझा पाना मुश्किल हो गया। बगल में स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में हो रही आतिशबाजी को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई। उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार से जा रहा खाली डंपर बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराते हुए खाद की दुकान में घुस गया। डंपर के बिजली के खंभे में टकराने से बिजली के तार टूट गए और इलाके की बिजली गुल हो गई। डंपर के दुकान में घुसने की खबर सुनते ही मौके पर भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो वहीं डंपर का ड्राइवर डंपर को दुकान में छोड़कर ही फरार हो गया। बदायूं में सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के बेकाबू होकर पलटने से हुआ। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा जिले में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। देर रात तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया से बात करते हुए एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाश का नाम ब्रजमोहन है और वो एक अपहरण के मामले में पिछले 10 साल से फरार चल रहा था। मुगलसराय में कांस्टेबल आशुतोष मिश्रा ने बैरक में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दरअसल कांस्टेबल आशुतोष मिश्रा की पुलिस में नौकरी मिलने के बाद जिले में पहली तैनाती थी। एसपी के मुताबिक ड्यूटी पर रहे हेड कांस्टेबल ने अपने बिस्तर पर राइफल रखकर चला गया। इसके बाद आशुतोष मिश्रा ने उसकी राइफल लेकर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही कोतवाली में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर एसपी समेत विभाग के अन्य अधिकारी पहुंचे। मऊ के थाना घोसी के अंतर्गत बोझी बाजार में बीती रात लगभग 5 दुकानों में चोरी हो गई। चोरी की घटना में लगभग लाखों का सामान गायब है। चोरी की घटना से नाराज लोगों ने बनारस गोरखपुर हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो तब तक रास्ता खाली नहीं करेंगे जब तक प्रशासन उनसे मिलने नहीं आता। रामनगर की ग्राम पंचायत जस्सा गंजा में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों ने वहां पंचायत का आयोजन किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हुए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि कालू सिद्ध से उपखनिज निकासी गेट को स्थानांतरित किया जाए, साथ ही भारी वाहनों का प्रवेश रोका जाए। चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां भारत सरकार अलर्ट पर है, तो वहीं उत्तराखंड की बनबसा नेपाल सीमा पर उत्तराखंड सरकार ने भी नेपाल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टरों की संख्या को बढ़ा दिया है। नेपाल सीमा पर कोरोना को लेकर भारत सरकार की जारी एडवाइजरी के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, इसका जायजा लेने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद ने बनबसा नेपाल सीमा पर लिया है।
मसूरी में शहर के व्यापारियों ने ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ बैठक की और पालिका अध्यक्ष को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने लाइसेंस बनवाने और शहर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस बनाने की मांग की है, जिस पर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने मना करते हुए व्यापारियों को स्लॉटर हाउस को लेकर बने नियमों के बारे में बताया है। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पानी की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो रही है। हर घर में पानी पहुंचाने की इस योजना के लिए जल संस्थान इन दिनों कार्य योजना तैयार कर रहा है। अगर योजना परवान चढ़ी तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पेयजल समस्या बनी रहती है। इसके अलावा कई लोगों के पास घरों में नल तक नहीं है, उन्हें ट्यूबवेल या फिर अन्य स्रोतों से पानी भरना पड़ता है। इसी के तहत रामनगर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संस्था के अधिकारी कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास और क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के मकसद से उत्तराखंड ने इंडिया ड्रोन फेस्टिवल की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस तरह के महोत्सव की शुरुआत की। प्रदेश में दूसरी बार इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री रावत ने इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल में न केवल प्रदेश बल्कि देश भर की ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर युवाओं का भी रुझान दिखाई दे रहा है। ड्रोन फेस्टिवल में मुख्य सचिव उत्पल कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अनिल रतूड़ी भी शामिल हुए। ड्रोन फेस्टिवल का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का महत्व लोगों को बताना और इसके विकास को आगे बढ़ाना है। हरिद्वार में कुंभ 2021 की व्यवस्थाओं को लेकर गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार मेला भवन में बैठक की। कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही गंगा घाटों पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कुंभ मेला अधिकारी के साथ कुंभ मेले से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बेहतर तैयारियों का दावा किया है। वहीं डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी लाखों लोगों के कुंभ में पहुंचने की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू करने की बात कही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वो खुद अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सरकार ने महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए अब तक व्यापक पैमाने पर कोई तैयारी नहीं की। रुद्रप्रयाग के चौपता दुगल बिट्टा में मोनाल शीतकालीन महोत्सव के तहत स्नो स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की तैयारियों का डीएम मंगेश घिड़ियाल ने जायजा लिया। स्नो स्कीइंग प्रशिक्षण में 19 स्थानीय युवा स्कीइंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। महोत्सव के अंतिम दिनों में स्कीइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। काशीपुर में शिवभक्तों की धूम मची हुई है। शिवरात्रि महापर्व की तैयारियां भी शुरू हो गई। वहीं हजारों की संख्या में शिवभक्तों का जत्था पैदल हरिद्वार के लिए रवाना हो गया और वहां से कांवड़ में गंगा जल भरकर ला रहे हैं, जिसे शिवरात्रि के दिन शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। शिवभक्तों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संस्कृति के रंग ताज के संग कुछ इसी थीम के साथ 29वें ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर महोत्सव का उद्घाटन किया। 28 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान 1800 से ज्यादा कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। वहीं 350 से ज्यादा शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में किसी तरह की कमी ना रह जाए, इसके लिए सरकार हर तरह पर तैयारी कर रही है। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल देखने आगरा आ रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आगरा के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। सड़कें फुटपाथ सब चमकाया जा रहा है। सभी होर्डिंग्स और साइन बोर्ड हटा दिए गए हैं। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैलिफोर्निया रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को वास्तव में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रेड डील नहीं कर सकते और आगे इस पर विचार किया जाएगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। एफएटीएफ के सब ग्रुप ने आतंकवाद की वित्तीय मदद रोकने में विफल रहने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने देने की सिफारिश की है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा।
चीन में महामारी बना कोरोना वायरस के केंद्र वुहान शहर के अस्पताल के निदेशक की मंगलवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई। हालांकि निदेशक लियू झिमिंग की जान बचाने के लिए चांग अस्पताल की तरफ से काफी प्रयास किए जो सभी विफल रहे। वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल के बाद से धोनी टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खबरों में बने रहते हैं। अक्सर धोनी का कोई ना कोई वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इस बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो टॉयलेट में बैठकर अपने फैंस को गाना सुनाते नजर आ रहे हैं। क्रिकेट के फैंस को लेकर आईसीसी ने एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। आईसीसी साल 2023 से चैंपियन कप शुरू करने वाली है। खास बात यह है कि चैंपियन कप T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 चैंपियन कप में आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 में रहने वाली टीमें खेलेंगी, वहीं वनडे चैंपियंस कप में टॉप 6 टीमों के बीच मुकाबला होगा। मुंबई ने अंडर 23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान के साथ साथ ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी मौका दिया गया है। नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए हिमांश ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं नेहा कक्कड़ ने भी बिना नाम लिए हिमांश पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे परिवार को एक्सपोज कर दूंगी। एक्टर गोविंदा अपनी एक्टिंग के साथ साथ बेपाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। गोविंदा मंगलवार को मध्य प्रदेश के खरगोन में आयोजित मेले में पहुंचे। यहां उन्होंने डांस भी किया, साथ ही उन्होंने आईफा अवार्ड और सीए को लेकर अपनी बात रखी। सीए के समर्थन में स्टार्स के आने को लेकर गोविंदा ने पहले तो प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं राजनीति छोड़ चुका हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो वैसा ही होगा, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।